और शिंचन क्या आपने सही में पैसे डबल होने वाले ऐसी मैं सारे पैसे डबल हो गए फिर तो अपन बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और ये तो बहुत ही खतरनाक है तो भाई सर शिंचन को, को कोई मिल गई बहुत ही खतरनाक वाली स्कीम जिससे वो सारे पैसों को डबल करा सकते हैं और उसके लिए उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो गई सर शिंचन की फ्लाइट है और अभी हम जाने वाले एयरपोर्ट शिंचन को छोड़ने और वो जाने वाले

सर इस पेन की तो बहुत ही हालत खराब हो गई है यहाँ पे कितनी सारी और यहाँ पे खड़े अरे सर 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 कोई भी नहीं मिला क्या मेरा दोस्त था मेरा भाई था शिव नहीं सर कोई नहीं मिला सब जने मारे गए अरे गए सर ये क्या हो गया मर गया अब मैं क्या करूँगा पैसे डबल कराने आया था खुद ही सिंगल पसली हो गया अरे ये क्या हो गया चिंचैन मर गया अब मैं क्या करूँगा कैसे जीऊँगा चिंचैन अरे सर एयरपोर्ट खाली कीजिए आप यहाँ पे नहीं रह सकते ये तो बहुत ही बुरा हो गया। मैं क्या करूंगा मुझे तो कुछ समझ देना अरे काू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कह अभी मैं वापस से घर पे आ चुका मुझे कुछ समझ रहा सिंचन मर चुका है प्लेन एक्सीडेंट में अब मैं क्या करूंगा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा अरे अभी घर के बाहर कौन है अरे यार कौन आया यार परेशान करने वैसे ही फटाफट इतना देखते कौन आया घर के पास हाँ भाई कौन हो आप ओहो अब ये चूस आपको बोलेगा कि कौन हो आप अरे सर सर आप कौन हो आपके पास गन क्यों है? ओहो भूल भी गया याद नहीं है पैसे लिए थे घर के लिए गाड़ी के लिए पैसे वापस कौन देगा अरे अच्छा अच्छा हाँ। आबा, 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 आबा। क्या आबा, आबा, कर रहा है पैसा दे पैसा और अंकल क्या बताऊ मैं बहुत दुखी हूँ मेरा जो भाई था ना उसका प्लेन एक्सीडेंट हो गया ए ए, ए पालतू के बहाने मत दे चुपचाप पैसा दे अरे मैं बहाना नहीं दे रहा हूँ और वो मर चुका है अरे बोला ना बहाने मत कर जल्दी पैसे दे वरना तोड़ूंगा तेरी हड्डियाँ फिर बेचूंगा तेरी सारी छंडियाँ तेरी गाड़ियों को मैं नहीं छोड़ूंगा अरे क्या करो क्या करो मेरी गाड़ी को मत तोड़ो मेरी गाड़ी को मत तोड़ो क्यों ना तोड़े हमें पैसे नहीं देता तू हम तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अरे बस मैं तो इसको नंगा कर देते क्या नहीं नहीं नंग, नंगा मत करना मुझे हाँ हाँ आइडिया अच्छा है चलो इसको नंगा कर देते अरे अंकल अब तो नंगा भी कर दिया अब तो छोड़ दो मुझे अरे हाँ चल, चल, चल दूर रहे निकल जाए ऐसे क्या निकल जाए ऐसे ये मेरा घर है ओहो oh oh oh, ये घर आज से हमारा है पैसे तूने दिए नहीं जब पैसे आ जाए तब घर भी ले जाना अस ये घर हमारा चलो बॉयज पार्टी करते हैं अरे अंकल ऐसा मत करो अरे जर, ये क्या हो गया इन सारे कुंडे लोगों ने मेरा घर हड़प लिया अब मैं क्या करूंगा मैं तो रोड पे आ गया शिनचैन मेरे सारे पैसे ले गया था और शिनचैन तो मर चुका है अब मैं क्या करूंगा मुझे सही में कुछ समझ नहीं आ रहा तो जरा अब शिनचैन तो हमारे साथ है नहीं तो मेरा भी तरह क्या करके रहना क्योंकि मेरा घर भी नहीं है मेरे पास ना गाड़ी है ना बंगला है ना पैसा है ना खाना है कुछ भी नहीं ये तो क्या करे? अब मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया है इस पानी में मैं कूद जाऊंगा एरी वेकी में क्या कर रहे हो अरे यार कैसे कैसे दिन आ रहे हैं शिंचैन की मुझे आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है वो मेरे पीछे खड़ा है एनी वेकी में क्या कर रहे हो अबे शिंचैन मुझे पता है तू तो यार मेरा इल्यूजन है मुझे वहम हो रहा है एरी वेकी में कौन से वहम है? एक सेकंड तू तो असली है एरी वेकी मैं तो असली हूं ना एक सेकंड नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता शिंचैन तो मर चुका है एरी वेकी में मुझे क्यों मार रहे हो मैंने क्या किया मैं तो आपके सामने खड़ा हूं अरे क्यों तू तो सही में मेनी तो पे ऐसा कैसे हो सकता है तू तो प्लेन ब्लास्ट मर गया था ना एनी फैक्की पे मैं क्यों मरूंगा मैं तो प्लेन पे गया ही नहीं था है? मतलब एनी फैक्की बेचा मैं एयरपोर्ट पे गया था तब तो एक्शन ग्रामीण वहाँ पे आ रहे थे इसलिए मैं टीवी में एक्शन ग्रामीण देखने बैठ गया और फिर मुझे पता चला कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी क्या तु, 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 मतलब प्लेन में गया नहीं था एही नहीं पे, में में प्लेन मुझे डबल करवा दिए कैसे तू तो गया नहीं था एनी फैंकी में था था तो था था? और बात करी उन्होंने बोला वो डबल कर देंगे मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए और सिंचन के सही बोल रहे

अरे विकी ये देखो उन्नीस बिलियन डॉलर क्या उन्नीस बिलियन डॉलर के बैंक अकाउंट में उन्नीस बिलियन डॉलर है ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा है कितने तो करोड़ डबल कर, तो करो कर दिए ये तो बहुत ही खतरनाक है तो का सर अभी हम आ गए मस्त मस्त गाड़ी की शॉपिंग करने क्यूँकी हमारे बैंक अकाउंट में उन्नीस बिलियन डॉलर उन्नीस मतलब वन नाइन बिलियन डॉलर मतलब नाइनटीन बिलियन डॉलर जो कि बहुत ही ज्यादा होता है अंकल एक काम करो सारी गाड़ी एक एक पैक कर दो अरे भैया क्या बोल रहे हो अरे मतलब जो आपकी सारी सुपर कार्स सा है ना ये सारी पैक कर दो तो ये है ब्लैक मार्केट एरिया यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलती है और बहुत महंगी महंगी गाड़ियां मिलती है तो ये हम सारे की सारी खरीदने वाले फिर भी हमारे पूरे पूरे पैसों का वन परसेंट भी खर्च नहीं होने वाला तो कह सर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो गई तो फटाफट से कोई एक गाड़ी में बैठते और चलते अपने घर पे उससे पहले इनको गाड़ी की सारी सारी पेमेंट कर देते एक काम करते अपने पास उन्नीस बिलियन डॉलर है ना तो एक काम करते इनको सौ मिलियन डॉलर दे देते फिर भी हमारे पास बहुत सारे पैसे अंकल कर दिए अरे भैया मिलियन अरे इसका भी सर चक्र गया तो गाइजर सर अभी हमने सारी की सारी गाड़ी खरीद लिए फटाफट से गाड़ी बैठते और चलते अपने घर पे तो अभी जाके उन कुंडो के मुंह पे सारा का सारा पैसा मारूंगा और का सर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले तो फटाफट -फड़ चलते अपने घर पे और उन कुंडो को अपने घर से बाहर निकालते हैं ए काय को आया रे ये घर का है घोर पुनका तुमने बोला था ना पैसे लाके दो मैं दोबारा पैसे ला चुका हूँ ऐडू हमको बताया तू बहुत गरीब है झूठ मत बोल पैसा दिखा पैसा अभी दिखाता हूँ बोलो कितना पैसा चाहिए बस बोलो तुम कितना पैसा चाहिए बडू वैसे तो बीस मिलियन डॉलर थे तेरे पास ज्यादा पैसा है तो पचास मिलियन दे पचास मिलियन ये लोग पाँच सौ मिलियन क्या बडू पाँच सौ मिलियन अभी रुको तुम्हारा पाँच मिलियन। और बिड़ू, इसने तो सही में पाँच सौ मिलियन कर दिए और कैजर वो सारे से जा चुके हैं तो कैसर ये घर हमारा हो चुका है वापस से हमने अपना घर खरीद लिया पर अब इस घर में हम रहने वाले खरीदा क्यों अब इतने पैसे

फोर होते हैं फाइव फाइव मतलब फिफ्टीन तो अभी भी हमारे पास फिफ्टीन बिलियन डॉलर बचे और ये हमने इतना तगड़ा घर खरीद लिया आप देखो इसमें इतना बड़ा स्विमिंग पूल है हेलीपैड है और भी बहुत सारी चीजें तो कहा फटाफट फटाफटी चलते घर के अंदर और आपको दिखा दो तो पूरा का पूरा घर बाहर से घर तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है और अपनी पार्किंग तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो कम से कम यार बीस गाड़ियां मैं इस घर के अंदर खड़ी करने वाला हूँ और फिर भी और भी हमारे पास जगह बचेगी तो कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो फटाफट देखते हैं अपने घर में क्या क्या है तो सबसे पहला रूम ये तो यार लिविंग रूम लग रहा है ये तो ऑफिस रूम बोल सकते हैं इसको और यहाँ तो पर इतने से पैसा कुछ होने नहीं अकाउंट में पार्टी एरिया कितना ज्यादा मस्त है यहाँ पे खाना खा सकते हैं आराम से चिल कर सकते हैं बहुत ज्यादा मजाने बने मस्त मस्त बड़े बड़े सोफे लगे बड़े बड़े टीवी लगी है मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरा लग रहा है अभी तक तो घर आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट

बाथरूम है यहां से भी लॉस एंजल के पहाड़ों का मस्त मस्त व्यू आता है तो फटाफट से कमेंट करके पता तो कैसा लगा घर मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगा और ये नहीं हमारी प्यारी सी एक और बालकनी हर जगह बालकनी बालकनी और एक और बेडरूम जहां वाला है ये घर तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा महंगा भी है पर कोई बात नहीं हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो कहे है सर आप फटाफट से कमेंट करके बता दो हम और क्या क्या चीजें खरीदे अपने घर के लिए अपने लिए और आपके लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो फटाफट से कमेंट करके बता मैं आपके घर पर भिजवा दूंगा और हाँ वन मिलियन सब्सक्राइबर पे मैं करने वाला हूँ इस घर के अंदर एक बहुत ही बड़ी वाली पार्टी तीन बिलियन डॉलर वाले घर में करेंगे वन मिलियन सब्सक्रीन

Okay, yeah, bye bye.